नमस्कार, मेरा नाम धीरज है और ये मेरी धर्मपत्नी अभिलाषा पवार है। हम लोग पिछले 5 साल से एक बेबी के लिए अलग अलग जगह अलग अलग तरीके आजमा रहे थे। हर जगह हर डॉक्टर हर तरीके से हमने बातें करी, हर सिचुएशन में हम लोग गए, पर कोई भी सलूशन वहाँ से मिल नहीं पा रहा था हमें। फिर हमें किसी ने यहाँ पे रिकमेंड किया कि हमें डॉक्टर रोशि सतीजा जी से बात करनी चाहिए, जो कि इन्होंने एक IVF कैंप लगाया था जिसका एक ब्राउशर हमें मिला। उस ब्राउशर के लेके हम मैम के पास आए, हमने मैम से बात करी, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करी, हमने सारी चीज़ें बताई जो पिछले 5 साल में हमने फेस करी। तो मैम ने हमें ये सजेशन किया कि आप लोगों को निराश नहीं होना चाहिए, आप लोगों को मायूस नहीं होना चाहिए, आप लोगों को एक बार फिर से ट्राई करना चाहिए। जिस तरीके से उन मैम ने हमें गाइड किया, मैम ने हमें बताया सारी चीजें, बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है मैम। मैम ने हमें हर चीज में पॉजिटिविटी दिखाई कि हम इस तरीके से अगर एक बार कोशिश करके देखें तो शायद वो चीज़ें आपके पॉजिटिव चीज़ें प्लस ही होंगी और आपको जिस चीज़ के लिए आप पिछले 5 साल से कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। हमने सबसे पहले IVF के लिए रिकमेंड करने की कोशिश करें कि हम IVF से ट्राई करें, क्योंकि सारे डॉक्टर्स ने हमें मना कर दिया था और जो भी डॉक्टर्स हमें बोल रहे थे वो सिर्फ एक मेडिकल ट्रीटमेंट्स को कंटिन्यू कर रहे थे, उसके आगे कोई भी चीज़ें नहीं चल रही थी, तो उससे कोई सोल्यूशन या कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था। उसके अलावा फिर मैम को हमने जब ये IVF के लिए पूछा तो मैम ने हमें बताया कि आपको IVF ट्राई करना चाहिए, लेकिन उससे पहले अगर आप एक ऐसी चीज़ें ट्राई करें जिससे कि आपके नॉर्मल चीज़ों में भी हम कोशिश करके वो चीज़ अपना सकते हैं, शायद उस चीज़ से आपको रिजल्ट मिल जाए, आपको IVF तक जाने की ज़रूरत पड़े। तो मैम ने बाकी चीज़ें हमें बताई, जो प्रॉब्लम थी हमारे रिपोर्ट्स देखने के बाद मैम ने उसका सोल्यूशन बताया और उसको हमने फॉलो करने के बाद मैम ने हमें वन मंथ के अंदर ही हमें एक रिजल्ट दिया जिसके लिए हम पिछले 5 साल से वेट कर रहे थे। मेरी बीवी प्रेग्नेंट हुई और एक हेल्दी बेबी हमारे पास है और मैम ने ही ये चीजें सब करी है। तो मैं पर्सनली यही चीज रिकमेंड करूंगा अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स फैमिली को, कि अगर किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम आती है आपकी प्रेगनेंसी में या किसी भी चीज प्रेगनेंसी को लेके प्रॉब्लम आती है, तो डेफिनेटली आप एक बार सुंदरलाल हॉस्पिटल रोशि मैम से आके जरूर कंसल्ट करें। जहां तक होगा आपको कहीं ना कहीं हर जगह से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ही। आप आइए एक बार जरूर मिलिए और मैं पर्सनली मैम को सुंदरलाल हॉस्पिटल को थैंक्स करना चाहूंगा कि इतनी दिनों बाद हमें ये चीज खुशी मिली है और मेरे पास वर्ड्स नहीं है। तो मैम पर्सनली अगर हम बोल रहे हैं तो मैम हमारे लिए गॉड है कि इतनी चीजें हमें दी। वन वर्ड में डिस्क्राइब करें तो मैम इज गॉड फॉर अस। तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच रोशि मैम, थैंक यू सो मच, वी लव यू मैम।